खबर होशंगाबाद से, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा तारा सेवनिया भोपाल में वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दर्शन सिंह की उपस्थिति रही, जहां कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब से हमने धारा धाम पर अपने तन में प्राणों की अनुभूति की है और उसके अस्तित्व को महसूस किया, हमने अपने आप को प्रकृति की गोद में पाया है। आज हमारे पास जो भी है वह प्रकृति की देन है। इस प्रकृति से हमने अन्न, जल और यह जीवन पाया। इसी प्रकृति से मिली स्नेह ममता की शीतल छाया, इस अनंत उपकारों के बदले हमने इस मातृभूमि को क्या दिया। क्या कभी यह सोचा कि हमने धरती माता के लिए क्या किया। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जनसंघ के संस्थापक भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से उनके जन्मदिन 6 जुलाई तक संपूर्ण राष्ट्र में व्यापक वृक्षारोपण अभियान का आह्वान पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से किया। इसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के द्वारा प्रदेश जिले में पखवाड़े भर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुए। तथापि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के समस्त कर्मठ कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं, हम किसानों ने सतत अनाज के रूप में इस धरती से अमूल्य निधि लेने का कार्य किया तो आज वृक्षारोपण में हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है। हम इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को मानसून भर चलाएंगे और व्यापक रूप से संपूर्ण मध्य प्रदेश में भाजपा किसान मोर्चा वृक्षारोपण करेगा। साथ ही जल संरक्षण की दिशा में भी हमें कार्य करना, जहाँ जहाँ पर संभव है हम जन सहयोग से छोटे छोटे स्टॉप डैमों के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य करेंगे।